हे सो गाइस, तो कुछ इस तरीके की एडिटिंग करने वाले हैं गाइस हम लोग। सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे यार तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और लाइक कर दीजिए फटाफट से। तो हमको सिंपली पिक्सार्ट पे आ जाना है। तो आपको सो गाइस, तो हम लोग पिक्सार्ट पे आ चुके हैं, एंड इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाना है, जो कि उसके बाद ब्लर पे चले जाना है, एंड ब्लर की जो ओपेसिटी हमको कम कर लेनी, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी बैकग्राउंड की, तो आप वहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम जाएंगे ऐड फोटो पर, एंड कुछ और PNGs इसमें ऐड करेंगे, जो कि बैकग्राउंड हमें दिवाली पे लगाना है, तो एकदम फर्स्ट क्लास दिवाली जैसा लगना चाहिए। तो हमने ऐड PNG पे ऐड कर लिए हैं कुछ PNGs, जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप सब वहाँ पर से डाउनलोड कर पाएंगे। इसलिए ब्लाइंड वाले ऑप्शन पे जाके हम स्क्रीन करेंगे, एंड इस PNG को एकदम हम सही से सेट करेंगे, जो कि बैकग्राउंड में अच्छे से सेट हो जाए। तो फटाफट से करते हैं कुछ इस तरीके से सेटिंग। तो एक नंबर बहुत अच्छी दिखने वाली है फोटो एडिटिंग, अगर आप भी करना चाहते हैं तो फटाफट से कर सकते हैं, तो एकदम सिंपल सा है। तो इसको सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद हम यहाँ पर से डन करेंगे, एंड फिर ओपेसिटी हमको फुल रखनी है इसकी, एंड फिर जाएंगे ऐड फोटो पे, एंड उसके बाद जो है हमारा मॉडल है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ऐड फोटो पे जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो मॉडल है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसको जो है कट करना है इसका बैकग्राउंड। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखा तो आप वहाँ पर से सिंपली जाके, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ पर से बैकग्राउंड इरेज का वीडियो आप देख सकते हैं, और वहाँ पर से और भी वीडियोज हैं तो आप देख सकते हैं। तो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं कट। एंड आप अभी तक हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर से भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो हमने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है अपने मॉडल को, तो कुछ इस तरीके से आपको भी पोज देके फ़ोटो क्लिक करा लेनी है, एंड उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी हमें फुल रखनी है, एंड कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है आप लोगों को फटाफट से, एंड फिर ऐड फोटो पे जाएंगे, एंड एक फिर PNG लेंगे, एंड उसके बाद उनकी ओपेसिटी इसको फुल रखनी है। ब्लाइंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, स्क्रीन करेंगे, एंड मल्टीप्लाई पे चले जाएंगे। मल्टीप्लाई पे जाने पे इसको अच्छे से सेट कर देंगे अपने बैग मॉडल के हिसाब से, कि मॉडल अपने हाथों पे लेके मतलब वो कर रहा है। तो इस तरीके से हमें कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट रखना है, तो हमको सिंपली सेट कर देना है। एंड जो इसका साइड का पार्ट है ना गाइस, तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको इरेज करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओपेसिटी को हम फुल रखेंगे, और उसके बाद हम साइड का पार्ट फटाफट से कर लेते हैं इरेज। तो आप भी करिएगा, एंड लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी, तो फटाफट से आप वहाँ पर से देख सकते हैं गाइस। काफ़ी सारे आप वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पर से आप चेक कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने कर लिया है यहाँ पर से इरेज जो साइड बैकग्राउंड, एंड सेट कर दिया, एंड फिर ऐड फोटो पे जाएंगे, एंड फिर हम कुछ PNGs लेने वाले हैं जो कि हैप्पी दिवाली टेक्स्ट की हैं। तो हम यहाँ पर से PNG लिया, एंड सिंपली इसको भी ब्लाइंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एंड स्क्रीन करेंगे, एंड इसको कॉर्नर पे सेट करने वाले हैं। हैप्पी दिवाली टेक्स्ट PNG है, तो इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से हम सेट कर देंगे जो कि कॉर्नर पे, तो उससे एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा फ़ोटो पे, तो कुछ रियलिस्टिक जैसे फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरीके की एडिटिंग आप कर सकते हैं, एकदम ईजली है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर फिर जाएंगे ऐड फोटो पे, एंड कुछ फिर PNGs हम लेने वाले हैं, जो कि बैकग्राउंड में अच्छा इफेक्ट डालने के लिए हम कुछ इस तरीके की PNG लिया है, और इसको भी हम यहाँ पर जाएंगे ब्लाइंड वाले ऑप्शन पे, एंड स्क्रीन करेंगे, एंड इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे साइड पे सेट करेंगे, ताकि जैसे एक अलग सा फीलिंग नहीं आती हैप्पी दिवाली वाली, तो दिवाली वाली फीलिंग के लिए यहाँ पे साइड पे सेट करेंगे। एंड जो इसकी ओपेसिटी है हम इसको डाउन कर देंगे, ताकि ये अच्छे से बैकग्राउंड पे हमारे मर्ज हो जाए। तो सिंपली हम यहाँ पर से ऐसा कुछ कर लेते हैं डाउन, एंड जो साइड में हैंड वगैरह में आ रही है इसके, तो इसको भी हम कर देंगे इरेज। तो सिंपली इरेज वाले टूल्स पे जाएंगे, एंड फटाफट से कर लेते हैं इरेज। तो देखते रहिए वीडियो। सिंपली गाइस, तो हमको सिंपली डन कर देना है, एंड फिर ऐड फोटो पे जाना है कुछ इस तरीके से, एंड ये पे साइड पे ये PNG भी लेने हैं, जो कि साइड पे डालने के लिए नीचे पे, एंड इसको भी स्क्रीन करेंगे गाइस, एंड कुछ इस तरीके से नीचे इसको सेट करेंगे, जो कि एक अच्छा रियलिस्टिक लुक देने के लिए हम कुछ इस तरीके की PNGs यूज़ करने वाले हैं। तो आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम अवेलेबल करा देंगे, आप वहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड सिंपली इसको डन कर देंगे। एंड फिर हम जाएंगे क्रॉ टूल्स वाले ऑप्शन पे, एंड जो इसकी ब्राइटनेस है, इसको हम हैंड पे ग्लो लाने के लिए इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, एंड उसके बाद हम सिंपली इंक्रीज़ करने के बाद
इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड इरेज वाले पे फिर आप इरेज कर देंगे पूरा एंड फिर इस तरीके से कुछ ब्रश वाले टूल पे यहाँ पे हैंड पे इफेक्ट डालने के लिए ग्लो इफेक्ट, तो कुछ इस तरीके से ओपेसिटी डाउन करके हम हैंड पे इफेक्ट डालेंगे एंड कुछ फेस पे भी डालेंगे ताकि हमारा मॉडल जो है अच्छे से शाइन मारे फोटो में। तो कुछ इस तरीके से सेचुरेशन भी है, थोड़ा सा इसकी इंक्रीज कर देना एंड टेम्परेचर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जैसे फ़ोटो पे हो आपकी। तो इस तरीके से मैं टेम्परेचर को भी कुछ हाई कर लेता हूँ एंड शैडो को भी यहाँ पे कुछ हाई कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप भी कर लीजिएगा सारी सेटिंग्स फटाफट से एंड कुछ अपने फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है आप लोगों को, सिंपली डन कर देना है एंड हम फिर जाएंगे यहाँ पे ड्रॉ टूल पे। तो ड्रॉ टूल पे जाने के बाद हम सिंपली जाएंगे ब्रश वाले ऑप्शन पे एंड कुछ साइड पे यहाँ पे ब्रश करने वाले हैं ताकि एक अच्छा सा एकदम रियलिस्टिक लुक आए, यानी कि फेक फ़ोटो ना लगे। तो यहाँ पर जो है साइज हम बढ़ा लेते हैं एंड ओपेसिटी डाउन करके यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पेंट करने वाले हम नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से आपको करना है ताकि नीचे शेडो क्रिएट हो एक, तो आपको रियलिस्टिक कुछ फील आएगा फ़ोटो में, ताकि हम एक रियलिस्टिक फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हैं तो कोई रियलिस्टिक फ़ोटो फील आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से साइड में हम पेंट कर लेते हैं एंड सिंपली फ़ोटो को कर लेते हैं मर्ज एंड कर लेते हैं फोटो को सेव। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।